प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत में राय विधानसभा क्षेत्र में यमुना प्रभावित गांव जाजल और जाजल टोंकी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जाजल गांव में पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों की ओर से पशु चारे की किल्लत का मामला उठाया गया, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया कि पशुओं के लिए चारा सरकार और प्रशासन की ओर से भिजवाया जाएगा। साथ ही जाजल टोंकी गांव के रास्ते को चौड़ा और पक्का रोड बनाने की बात भी कही। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम ने केजरीवाल के बयान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। दिल्ली के हालातों को लेकर वहां के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाना बेहद गलत है। लगभग 3 दिन पूरे नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल रहा है, उस कारण से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले और कई गांव बाढ़ की ग्रस्त में आए हैं। कई जगह हमारे गग्गर पे और आपके यमुना के किनारे पे ब्रीचेज हुए हैं। जो फ्लड प्लेन्स थे उनमें तो नेचुरली पानी लिफ्ट हुआ है, मगर जो नॉन फ्लड प्लेन्स थे वहाँ ब्रीचेज के कारण पानी भरा है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। NDRF की भी एडिशनल टुकड़ी आज पलवल हमने 2 भेजी है और पलवल अब एयरफोर्स या आर्मी की भी मदद लेकर जो 16 गांव हमारे अब पानी के बीच में है वहाँ पर राहत सामग्री भी एयर ड्रॉप कराने की योजना बनाई जा रही है। सोनीपत में आपके पानी रिसेंट डाउन हुआ है लगभग 4-4.5 फुट और मैं मानता हूँ कि अगर आगे बारिश नहीं होती तो इसको हम अगले 24 से 48 घंटे में बैक टू नॉर्मलाइज कर पाएंगे। मगर जहाँ ऊपर की प्रेडिक्शन जब 4 दिन बारिश की है तो प्रिकॉशनरी तौर पर भी सरकार अपना काम कर रही है। जो जो एहतियात हमने बरतने हैं, जहाँ जहाँ ब्रीचेज हैं उनको बंद करना है, वहाँ पर एडिशनल सैंड बैग्स पहुँचाने हैं, उसको हम टाइमली टेकअप। सर, अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली में आई बाढ़ को हरियाणा का दोष है वो मन रहे हैं, उसको लेकर आप देखिए आज राजनीति करने का समय नहीं है। दिल्ली के बाद तो पलवल, फरीदाबाद है, वहाँ भी तो आज ब्रीच हुआ है, तो क्या वो दिल्ली का दोष है? आज नागरिकों की जान को सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है, उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराना प्राथमिकता है और मुझे लगता है सामाजिक तौर पर सब मिलकर इस आपदा के अंदर ये काम करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली से आगे पलवल और फरीदाबाद में भी यमुना के बढ़े जलस्तर के कारण जलभराव हो गया है, तो क्या इसके लिए हम दिल्ली को दोषी ठहराएं? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई दशकों के बाद हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर इस तरह की मुसीबत आ पड़ी है। अचानक बेहद पानी आने से ये हालात पैदा हुए हैं। सरकार द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को बचाया गया है और पीड़ितों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर भी कहा कि बाढ़ राहत इंतजामों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती। उन्होंने कहा कि सोनीपत क्षेत्र में धीरे धीरे यमुना का पानी कम हो रहा है, यहां के प्रभावित ग्रामीणों की पूरी मदद की जा रही है। सोनीपत से राम सिहमर की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।